हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का आज 12 सितंबर 2020 की शाम। बारिश हो रही है। अच्छा लगा, एक काफी ड्राई सा पीरियड आया बीच में और फिर मुंबई की बारिश वापस आ गई। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं ये थोड़ी डीप बात है और मैं इस टॉपिक को जल्दी नहीं लेता। ये कोविड और इसके रिलेटेड चीजें, बहुत सारी टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बट जिस तरह से भी सिचुएशन बीच में चेंज हुई है, तो मैंने सोचा इस पे एक बार आप सबसे बातचीत की जाए। डिटेल बात होगी, मैं काफी साइंटिफिक डेटा आपसे शेयर करूंगा। तो जैसे आप अगर मेरे वीडियोस पहले भी देखे हैं या मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं, तो आपको मालूम होगा कि हम किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेते हैं। और ये टिकटॉक वाली वीडियो नहीं है कि मैं 60 सेकंड के अंदर कर लूँ। तो आप सबका बहुत बहुत आभार है कि आप लाइव जुड़ते हैं या फिर बाद में यूट्यूब वीडियो देखते हैं या फिर पॉडकास्ट सुनते हैं, और आपकी जो फीडबैक मिलती है उससे मुझे बहुत बहुत प्रोत्साहन मिलता है। सो शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। और इसके साथ ही मैं आज एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ पहले शुरुआत में आपको। दोस्तों, दिन था 14 जून इसी साल 2020, और सुशांत सिंह राजपूत उस दिन इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद बहुत सारी चीजें चालू हुई कि उनकी मौत के बाद के उनकी मर्डर हुई, किसी ने उनके पैसे सब ठग लिए, उनसे साफ कर दिया, कुछ काले जादू की बात हुई, फिर ये भी बात हुई कि हायर्ड मर्डरर्स थे, और फिर बहुत सारा पॉलिटिक्स हुआ, बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हुई उसके ऊपर में। अभी टोटल केस जाके लगता है कि गांजा पे रुकी है, आगे कैसा होता है। मैं क्यों आपसे ये बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैं उस केस को बिल्कुल फॉलो नहीं करता हूँ। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हमेशा प्रार्थना रहेगी। अब इसी बीच में कांगना जी का भी केस बहुत हॉट चल रहा है। अगर जो लोग टेलीविजन देखते हैं, उनको झांसी की रानी बताया जा रहा है और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो जब ये हर चैनल पे, हर न्यूज में आपको या तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की बात दिखाई दे रही है या सुनाई जा रही है, या फिर आपको कंगना रनावत जी और रिया चक्रवर्ती की बातें दी जा रही हैं, तो मैंने अपने बातचीत में एकाएक अपने बेटी को बोला कि वो कंगना रनावत को जेल में रख दिया और रिया चक्रवर्ती का जो ऑफिस है वो तोड़ दिया है, तो एक सेकंड के लिए उनको कुछ नहीं लगा, बिकॉज इतनी हाइपरबोल एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर में। हालांकि हम लोग घर में वो कोई न्यूज चैनल नहीं देखते हैं। हमारी सोर्सेज न्यूज की बहुत ही न्यूट्रल होती हैं, हम यूट्यूब पे जाकर चेक कर लेते हैं, अदरवाइज न्यूज चैनल अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्यों बात की आप सबसे इन दो मुख्तलिफ केसों के बारे में, बिकॉज इसी बीच, इन द मीन टाइम, जब तक हम लोग सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनावत के केस के बीच में लगे रहे, इसी बीच में आज जो हिंदुस्तान टाइम्स है, जो मुंबई एडिशन निकलता है, उसमें रिपोर्ट आई है कि महाराष्ट्र ने 10 लाख कोविड केसेस नंबर पार कर लिए हैं। कल के दिन में, खाली एक शुक्रवार को, महाराष्ट्र में 24,886 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 393 डेथ रिपोर्ट हुई है। अभी तक टोटल महाराष्ट्र में जो डेथ है कोविड से, वो 28,734 24 की रिपोर्टिंग की गई है। साथ ही उसी न्यूज़पेपर में बीएमसी की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट आई है कि अगले 2-3 महीने मुंबई के लिए बड़े ही क्रूशियल हैं। अभी एक तरह से मैं भी सोच रहा था कि पिछले तो मार्च से यही चल रहा है कि अगला महीना और ज्यादा क्रूशियल होगा, बट जिस तरह से अभी केसेस की रफ्तार बढ़ी है, सच में लगता है कि इस बार चिंता की बात है। इसी बीच में आईसीएमआर, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उनकी रिपोर्ट आई कि प्लाज्मा थेरेपी, जिसके ऊपर में बहुत सारा ध्यान था लोगों का, और उसको एक तरह से ये भी बताया गया था कि ये अच्छा काम करती है, अभी आईसीएमआर का बोलना है कि प्लाज्मा थेरेपी से बेनिफिट नहीं दिख रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी से फायदे नहीं दिख रहे हैं। एक दूसरी खबर 2 दिन पहले आई है कि दुनिया में जो वैक्सीन की दौड़ चल रही है, उस दौर में एक वैक्सीन जो काफी आगे चल रही थी, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी और साथ में एक दवाई की कंपनी है एस्ट्राजेनेका, जो इसकी रिसर्च कर रहे थे, उसकी ट्रायल को रोक दिया गया है।
और इंडिया में भी उन्होंने पार्टनर बना रखे थे दो कंपनियों को जो उनके लिए वो वैक्सीन बनाने वाले थे। तो एक ये छोटी सी खबर है कि एक जो प्रोमिनेंट वैक्सीन थी, डरने की बात नहीं है, वापस वो चालू हो भी सकती है, बट अभी फिलहाल की रिपोर्ट यह है कि उस वैक्सीन की ट्रायल इसलिए रोकी गई कि कोई एक मरीज में उसके दुष्परिणाम जैसे कुछ देखे गए। अभी हम थोड़ी महाराष्ट्र और मुंबई की डेटा की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में टोटल जो मौत बताई गई है वो है 28,724, जिसमें से मुंबई का हिस्सा है 8,067 मुंबई की डेटा है। प्रणाम पापा, स्वागत है आपका। अभी मैं एक और चीज की बात करने वाला हूँ, CFR, केस फेटालिटी रेट। तो क्या केस फेटालिटी रेट, मतलब कितने प्रतिशत लोग इस बीमारी से मर रहे हैं। तो महाराष्ट्र का नंबर है 2.83%, मतलब 100 लोगों को बीमारी हो रही तो तकरीबन 3 लोग नहीं बच पाते इससे। लेकिन अगर वही आप ये डेटा मुंबई के लिए देखें तो वह है 4.88, दैट इज मुंबई में ये बीमारी 5 लोगों की जान ले रही है अगर 100 लोग बीमार होते हैं तो। पॉजिटिविटी रेट जो पूरे महाराष्ट्र में 20% है, मुंबई में थोड़ी कम है, 18.43। ये है आज के महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से। चिंता की बात महाराष्ट्र के लिए और पूरे देश के लिए ये भी है कि 5 जिले बहुत तेजी से विस्फोट कर रहे हैं। और मैं ये इसलिए बोलता हूँ, ये पूरे देश के लिए चिंता की बात है। भंडारा, वर्धा, चंद्रपुर, गोंदिया और सिंधुदुर्ग, पूरे देश के लिए चिंता की बात इसलिए है कि अभी महाराष्ट्र जो एक राष्ट्र है, एक राज्य है, जो कि एक प्रोविंस आप बोल सकते हैं, ये दुनिया के सबसे कोविड से बुरी तरह प्रभावित जगहों में से नंबर 1 पे आ गया है, बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी एंड जितने केसेस हैं यहाँ पे। अभी आज के ही हिंदुस्तान टाइम्स में डॉक्टर शशांक जोशी जी की एक इंटरव्यू आई है, जो महाराष्ट्र स्टेट टास्क फोर्स कोविड के लिए जो बनी है उसके मेंबर है। उनका बोलना है कि चिंता की बात यह है कि जब भी छोटे शहरों में और गांव में फैल रही है तो वहां पे आईसीयू फैसिलिटीज और इमरजेंसी केयर की, हाय दिव्या, इमरजेंसी केयर की सुविधा काफी कम होती है और ये चिंता की बात होगी। अभी हालांकि महाराष्ट्र में खाली 14,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं, तब जाके इतने केसेस आ रहे हैं, जिसको बढ़ाकर और ज्यादा बढ़ाने की डिमांड टास्क फोर्स की तरफ से की गई है। अब मेरा आप लोग से ये भी पूछना है कि खाली 14,000 डेली टेस्ट हो रहे हैं तो कल 24,886 केसेस आए, मतलब बिना टेस्ट के भी सिम्टम लेकर लोग आए तब उनको पता चला कि ये लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं। डॉक्टर शशांक जोशी जी का बोलना है कि सैनिटाइजेशन, साफ सफाई मेंटेन करना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, लोगों से दूर रहना, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका और जिनको पहले से 2-3 बीमारियां हैं उनको बाहर जाना जहां तक अवॉइड कर सके, रिकमेंडेशन है डॉक्टर शशांक जोशी जी की। एक बड़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आपसे अभी मैं चर्चा करने वाला हूं। एक इंडिपेंडेंट मीडिया है, द एटलांटिक, यूएसए में पब्लिश होती है। उसमें एक आर्टिकल आई और मैंने थोड़ी से इंटरव्यू के स्निपेट सुने जो सीएनएन पे आ रहे थे, जिसमें बताया गया कि अमेरिका इज ट्रैप्ड इन अ पैंडेमिक स्पाइरल, आर्टिकल का नाम है। और ये लिखा है एक जो उनके साइंटिफिक रिपोर्टर हैं एड यंग साहब ने, और मैं उसको ही कोट करने वाला हूँ। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताई है उन्होंने कि जो आर्मी एंट्स होते हैं, एक चींटियों की प्रजाति होती है, वो अगर मान लीजिए कि आगे चलने वाली चींटी ने कुछ ऐसा लूप बनाया कि जिसमें चींटियां कैसे चलती हैं, तो जो आगे वाली चींटी चल रही होती है अपने पीछे पीछे फेरोमोन्स छोड़ती है। वो फेरोमोन्स क्या है, एक हार्मोन होता है जिसको सूंघ कर वो उसका पीछा करते हैं। तो अगर मान लीजिए वो सर्कल हो गई, अगर लूप बन गई, तो चींटियां उस लूप में तब तक चलती रहती हैं, तब तक चलती रहती हैं जब तक वो थक ना जाए, मर ना जाए। इसको बोलते हैं डेथ स्पाइरल। तो अभी जो कोविड की सिचुएशन यूएसए में है उसको एड यंग साहब ने डेथ स्पाइरल बताया गया है कि अमेरिका जो है, यूएसए जो कि दुनिया के सबसे नंबर 1 देशों में एक माना जाता है, शुमार है, वो एक तरह से एक डेथ स्पाइरल में। क्यों बताते हैं ऐसा? अभी तक 63 लाख केसेस वहां ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं। टोटल 1,89,000, 1,89,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ। हर दिन 40,000 नए केसेस आ रहे हैं और करीब 800 नए मौत के मामले यूएसए में निकल के आ रहे हैं। शुरुआत हुई इसकी 9 महीने पहले और तब से एक चीज चल रही है कि होप इंट्यूशन, जो इंसान है हम सब,
एड यंग साहब का बोलना है कि इंसान हमेशा से एक ऐसी प्रजाति है जो कि सोचती है कि ठीक हो जाएगा, आगे का समय अच्छा आने वाला है। और हमने बीमारी के बारे में भी ऐसा ही सोचा, फॉल्स होप लेके चले कि जल्दी चला जाएगा, 20 दिन, 21 दिन, 1 महीने, 2 महीने, ऐसी बातें चल रही थी। फिर हम एक और भी चीज करते हैं, हम ब्लेम करते हैं लोगों को और शेमिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए किसी को हो गया तो तुम्हारी वजह से फैल रहा है, इस तरह का। जैसे हमने भी कुछ चीजें की इंडिया में, अगर मैं कोरिलेट करूँ तो हमने भी थाली पीटा, हमने भी दिए जलाए और बहुत तरह की बोली, दवाइयां बताई गई कि गौमूत्र पीने से नहीं होगा, या फिर एक खास किसी कम्युनिटी को, जमात को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। तो ये यूएसए में भी देखी गई है बात। इसको एड यंग साहब बोलते हैं सीरियल मोनोगमी ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब एक किसी चीज को एक प्रॉपर सॉल्यूशन मान करके सोचने की गलती हम पहले कर चुके हैं, मैजिकल थिंकिंग की एक कोई ऐसी जादुई सी चीज आएगी और सब गायब हो जाएगा। इसमें एक चीज और थी, बहुत सारी कंस्पिरेसीज आई कि इसने फैलाया होगा, उसने किया होगा। तो यूएसए में डिबेट चली काफी दिनों तक के घर पे सबको रहना चाहिए कि नहीं, दूसरी डिबेट थी कि मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, कॉलेज स्कूल कभी बंद करना चाहिए। तो उन्होंने बंद करने में देरी कर दी, हालांकि इंडिया में तो हमने फटाफट लॉकडाउन कर लिया था, 21 दिन की शुरुआत हुई थी, बाद में वो बढ़ती गई। हालांकि एक दुखद चीज ये हो गई कि लोगों को एक 5-6 दिन का भी मौका नहीं दिया गया अपने अपने जगहों पर सुरक्षित पहुंचने का, और उसकी बड़ी भारी कीमत मजदूरों ने चुकाई और वो तो हिस्ट्री में लिखी गई है। बहुत सारी मौतें भी उस दौरान हुई। अभी देखिए सिचुएशन ये हो गई कि भारत में अभी हमने नंबर 2 पे आ गए हैं, ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है और अभी सब कुछ रिलैक्स्ड हो गया है। तो अभी इस सिचुएशन को देख के वहां उस समय लगता है कि अगर हम थोड़े से विवेक से काम करते और मजदूरों को थोड़ा टाइम देते अपने अपने जगहों पे, मान लीजिए कोई घूमने आया और वो एक लिमिटेड बजट पे आए और मुंबई जैसी जगह में अटक कर रह गए, वो लोग भी कई कई महीनों के बाद घर वापस लौट पाए, तो वो थोड़ी सी चूक हुई थी जो मुझे लगता है। अभी वो चींटियां जब भी गोल गोल चलती हैं तो उनमें से कोई 2-4 चींटियां होती हैं जो कि स्पाइरल को ब्रेक कर देती हैं। तो अगर मान लीजिए वो अगर निकल गई टूट के, तो वो गोल गोल घूमना बंद होता है और चींटियों की जान बच सकती है। बट एड यंग साहब का बोलना है कि हम चींटियां तो है नहीं, हम तो इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि हमने अभी तक जो किया उससे क्या फायदे हुए हैं और आगे क्या करना चाहिए। तो ये वायरस फैलता कैसे है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहूंगा। वो बोलते हैं 5 P's, 5 P। पहला, पीपल इन प्रोलॉन्ग्ड पुअरली वेंटिलेटेड प्रोटेक्शन फ्री प्रॉक्सिमिटी। लोग ज्यादा देर तक ऐसी जगह पे जहां पे हवा कम आदान प्रदान होती है, बिना प्रोटेक्शन के, बिना मास्क के और पास पास रहें, तो ये वायरस फैलती है बहुत शानदार तरीके से। समझने की बात यह है कि ये वायरस फैलती है एसिम्प्टोमैटिक लोगों से भी। तो आप ये जरूरी नहीं कि जो बुखार में है, जिसको खांसी हो रही है, उससे वायरस फैल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे ही साइलेंट कैरियर्स हैं और लेके चलते हैं, राइट? तो यूएसए में स्टे एट होम डिबेट चली मार्च में, वहां काफी डिबेट करते हैं सब लोग सब कुछ के ऊपर में, हमारे जैसे एक बार बंद नहीं करते। मास्क के ऊपर डिबेट चली अप्रैल में और अभी चल रही है वहां पे सितंबर के महीने में डिबेट वेंटिलेशन के ऊपर में कि ये जो, और ये एड यंग साहब का बोलना है कि ये एक वन सिंगल सॉल्यूशन से किसी चीज को सॉल्व करने की जो थॉट है वो इस बीमारी में काम नहीं कर रही है। अभी जैसे कि अप्रैल में बहुत ही जोर शोर से अनाउंस किया गया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से बीमारी ठीक हो जाती है और कई कई देशों को धमकी भी दी गई कि अगर आपने टाइम पे सप्लाई नहीं किया तो देख लेना क्या होगा। इंडिया उनमें से एक था। अगस्त में फिर बात आई कि नहीं, वो तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काम नहीं कर रही है, लेकिन ये कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी जो है, जो लोग एक बार ठीक हो गए हैं कोविड से, अगर उनकी प्लाज्मा लेकर के और बीमार आदमी को दी जाए तो उसमें बहुत फायदा होता है, एकदम अचूक दवा है। अभी ICMR 2 दिन पहले ही रिपोर्ट आई है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो बोलते हैं कि नहीं, इस बात में सच्चाई नहीं है। अभी तक की स्टडीज जो हुई हैं उससे ये लगता है कि कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी मे नॉट बी बेनिफिशियल, शायद इसे पेशेंट्स का फायदा नहीं हो रहा है। दो दवाइयां हैं, डेक्सामेथासोन और रेमडेसिविर। ये डेक्सामेथासोन और रेमडेसिविर, इससे कुछ जाने जरूर बची हैं, इसको बताना चाहेंगे। अभी हमारे यहाँ तो ज्यादा डिबेट नहीं हुई, यूएसए में डिबेट बहुत सॉलिड चल रही है कि मास्क प्रोटेक्टिव है कि नहीं प्रोटेक्टिव है। तो वहां पे जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो कि बीमारियों की पढ़ाई करते हैं, उनका बोलना है कि देखिए ये इस तरह है कि कार में सीट बेल्ट होने से निर्धारित नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम कार में सीट बेल्ट डालते हैं, एयर बैग्स डालते हैं, हम
कार में क्रम्पल जोन डालते हैं कि जब भी कार को धक्का लगे तो आदमी को कम से कम नुकसान हो, ये पूरे कार को सुरक्षित करने की बात है। उसी तरह खाली ये कि मास्क पहन लेने से मुझे बीमारी नहीं होगी, ये 100% सच नहीं हो सकता है, लेकिन मास्क एक उपाय है थोड़ा रिस्क कम करने का। तो मास्क के साथ साथ बहुत ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए, जो कि साइंटिस्ट बताते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए कि जिसी को पॉजिटिव कोई आए तो उनके जान पहचान में कितने सारे लोग हैं जिनकी जांच की जाए, और एक बार पता चल जाए कि यहां से फैल रही है फिर उस एरिया को आइसोलेट करना। तो मास्किंग करना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, आइसोलेशन करना, ये सब फैक्टर मिला के तब जाकर के इस वायरस पे कंट्रोल पाया जा सकता है। पॉइंट नंबर टू बोलते हैं एड यंग साहब, इज फॉल्स डाइकोटोमीज। अब डाइकोटोमी क्या, इसको द्वैतवाद आप बोल सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद, हम ऐसे ही सोचते हैं कि ये सही है ये गलत है, लेकिन बीच में छूट क्या जाता है, वो है ग्रे। और अपने से जितने लोगों ने 50 शेड्स ऑफ ग्रे पढ़ी होगी आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि जिंदगी में सब कुछ एकदम सफेद या काला नहीं होता है। एक गलती जो कोई बाहर वाला करे तो शायद आपको बहुत ही चुभ जाए या बुरी लगे, बट वही गलती आपके बच्चे कर जाए तो आप शायद उसको अच्छा ठीक है समझा लेंगे। तो ये ग्रे बीच में कहीं आता है। कोविड को भी इसी तरह से ट्रीट किया गया, पहले बोला गया कि माइल्ड सिम्टम है, मेजोरिटी ऑफ लोगों में माइल्ड रहते हैं, कुछ लोगों में सीवियर होता है। तो ये क्या कर दिया कि कुछ लोग बिल्कुल एसिम्टोमेटिक रहेंगे, हल्के सिम्टम होंगे, कुछ में सीवियर सिम्टम हो सकते हैं। लेकिन अभी ये स्टडीज में देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बीमारी महीनों महीनों तक बेड पर रखती है, बहुत बहुत दिनों तक उनको आईसीयू में रहना होता है, इनकी बात कोई नहीं करता। तो ये हमारी सोच है ना कि ब्लैक एंड व्हाइट, वो नहीं चल रही यहाँ पे। एक और डिबेट चली, यूएसए में भी चली और हमारे यहाँ भी चली, कि क्या बचाया जाए, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है उसको बचाया जाए कि पेशेंट्स की जान बचाई जाए। तो ये दोनों में बीच में बैलेंस करने वाली बात हो जाती है। अभी जहां जहां भी रीओपनिंग की गई है यूएसए में, वहां देखा गया है कि केसेस हैव रिजन, मोर एंड मोर नंबर ऑफ केसेस आर कमिंग देयर। और यूएसए के लोगों की भी एक बड़ी चिंता यह है कि अभी वहां पे टिपिकली भी सर्दियां आएंगी और फ्लू का सीजन आता है, जहां पे ऑलरेडी हर साल फ्लू से बहुत सारे लोग इफेक्टेड होते थे, अभी इस साल कैसे पैन आउट होता है ये देखने वाली बात होगी। भारत में भी अभी नवंबर दिसंबर के बाद जब भी सर्दी आएंगी तो टिपिकली वही फ्लू का सीजन होता है। इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर अस टू सी दैट हाउ इट पैन्स आउट। हमारे यहाँ तो डिबेट नहीं है, बट यूएसए में बार और रेस्टोरेंट्स ओपन रखे गए हैं, टैटू पार्लर्स खुले हुए हैं, तो उसके ऊपर भी डिबेट चल रही है कि इनको बंद रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। और जो साइंटिस्ट उनका बोलना है कि जो टर्म लॉकडाउन यूज की गई, ये भी शायद एक डैमेजिंग टर्म है, इसको शायद नहीं यूज करना चाहिए था। हालांकि एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्वीडन नाम की कंट्री है जिसने कभी लॉकडाउन किया ही नहीं, और क्या उनके रेट बहुत खराब है। टोटल 86,505 केसेस हैं स्वीडन में आज तक, जिसमें से 5,846 लोगों की मौत बताई गई है। हालांकि स्वीडन की पूरी आबादी केवल 1.02 करोड़ है, 1 करोड़ के आसपास की आबादी है, उसके हिसाब से खाली मुंबई की आबादी 1,84,00,000 है। तो काफी छोटा सा आप बोल सकते हैं शहर जैसा ही है स्वीडन, पॉपुलेशन बहुत कम है, एरिया काफी बड़ी है, तो वहां पे वो जो वायरस उतनी फैली नहीं है। हालांकि अभी इस पे चिंतित हैं वहां के लोग, कि पहले बोला गया था कि नहीं नहीं हम लॉकडाउन करेंगे ही नहीं, बट अभी उनको लग रहा है कि उनकी जो इतने कम पॉपुलेशन होने पे भी इतने सारे केसेस, ये डेंजर साइन है। एक और है कंफर्ट ऑफ थिएट्रिकलिटी, किसी चीज में ना बहुत ज्यादा थिएटर करना, जैसे पहले स्टे ऑफ होम बोला गया, घर पे रहें, घर पे। इसके फायदे हुए क्या यूएसए में, बिल्कुल हुए, क्योंकि जब भी लोग घर पे रहे तो वायरस की जो स्प्रेड थी वो कर्टेल हुई, मतलब थोड़ी स्लो हो गई वायरस की स्प्रेड। इससे फायदा क्या हुआ, और जो मैं इंडिया के लिए भी अग्री करूंगा कि हमारे यहाँ भी एक तो पॉल्यूशन कम हुई, नो डाउट अबाउट दैट। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग पिछले जैक बुश एमडी वाले एपिसोड में बात कर चुके हैं, कि जैक बुश साहब बताते हैं कि जब भी ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ता है तो PM2.5 पार्टिकल्स के ऊपर वायरसेस क्लंप करके इंसान तक जल्दी पहुंच पाते हैं। तो एक तो लॉकडाउन होने की वजह से पॉल्यूशन कम हुआ, जिससे वायरस स्प्रेड करने के जो व्हीकल हैं उनकी संख्या कम होगी। दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं और
नर्सिंग होम्स हैं और गवर्नमेंट्स को भी टाइम मिला कि जब तक पीक आए, जैसे अभी महाराष्ट्र में पीक हो रही है, बट ये अप्रैल से लेकर के अभी तक का समय गवर्नमेंट को तैयारी करने के लिए मिला। अभी कितनी अच्छी तरह से हमने इस बात की तैयारी की, ये देखने वाली विषय होगी। हालांकि एड यंग साहब के आर्टिकल में लिखा है कि हाइजीन का थिएटर बहुत किया जा रहा है, मतलब सबको मालूम है कोरोना वायरस फैलती कैसे है, हवा से, हवा में सांस के थ्रू फैलती है, लेकिन सरफेस को साफ करने पे, सैनिटाइज करने पे, पोंछते रहने पे बहुत ज्यादा, और इससे क्या हो रहा है, लोगों को फॉल्स सेंस ऑफ सेफ्टी आती है कि ये सरफेस सैनिटाइज है, लेकिन सरफेस से कंटामिनेशन कम होता है, ज्यादा हवा के थ्रू आती है। इसी तरह एक दूसरी मैं बोलूंगा कि एडियंग साहब भी के आर्टिकल में लिखा है कि टेम्परेचर चेक करना, ये आपका टेम्परेचर चेक करके किसी को आप सर्टिफाई नहीं कर सकते कि वो कोविड कैरियर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ना फीवर होता है, ना उनके ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, ना ही उनके नॉर्मल WBC काउंट भी अगर देखने हैं तो नॉर्मल होते हैं, बट वो फिर भी कैरियर हो सकते हैं। एक और चीज देखी गई कि पर्सनल ब्लेम और सिस्टमिक फिक्सेस, मतलब जो हमारा वातावरण है उसमें सुधार करने के बदले USA में ज्यादा ब्लेमिंग हुई, जैसे जेल में, नर्सिंग होम में, जहां पे जो लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, मुंबई की ही बात कर ले, इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत डेंस पॉपुलेशन है और खासकर पुअर कम्युनिटीज में स्प्रेड ज्यादा देखे गए USA में भी और अपने यहाँ भी, क्योंकि गरीब लोगों के पास ऑप्शन नहीं है घर पे रहने का, उनको तो काम के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। रूपंदी स्वागत है आपका। USA में डिबेट चल रही कि बहुत ओपन जगह, जैसे पे बड़े बड़े गार्डन्स हैं, बीचेस हैं, उनको बंद कर दिया, लेकिन बार रेस्टोरेंट उनको खुला रखने दिया, तो जहां पे लोग छोटी जगह में ज्यादा लोग जमा हो रहे हैं वो ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू बीच पे जाना जो बहुत खुली हुई जगह होती है। तो ये बीच का बैलेंस अभी लोगों को करना बाकी है। एक और चीज हुई, लोगों को शेम करना कि अरे तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुमको कोरोना हो गया, ये जरूरी नहीं है। कोई मास्क पहन के नहीं चल रहा है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, बसरते साथ के साथ अपने हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक करें। अभी वहां पे हॉस्टल्स और कॉलेजेस खोले गए और जितनी स्पीड से खुले उतनी स्पीड से अभी बंद भी हो रहे, क्योंकि ये हो क्या गया कि सारे बच्चों की टेस्ट तो की गई कि आप आते समय आपको फीवर नहीं है, आपकी एंटीजन टेस्ट हो गई और आपको अंदर आने दिया गया, लेकिन एक भी जो मिस्टेक हुई या फिर फॉल्स सेंस ऑफ सेफ्टी भी आ गई कि हम सब टेस्टेड हैं, हम में से किसी को नहीं है, और फिर जो फैलना चालू हुई है, अब डॉर्मेटरीज में, हॉस्टल्स में लोग रहते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी, तो अभी बहुत सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस बंद हो रहे हैं। पांचवी चीज एड यंग साहब बोलते हैं नॉर्मैलिटी का ट्रैप, और इसमें हम भी और आप भी फंस जाते हैं। ये क्या है कि हमारे अंदर से एक इनहेरेंट इच्छा होती है कि जिंदगी पहले जैसी चल रही थी वैसी हो जाए, हमारी जो पहले की प्रेडिक्टेबल रिदम थी, ऑफिस जाना, दोस्तों से मिलना, काम करना, वो वापस शुरू हो जाए। अभी इसके लिए बहुत सारे लोग जो है डिफाइंस के मोड में आ जाते हैं। डिफाइंस मतलब जैसे मान लो मुंबई में टेररिस्ट ने अटैक किया, तो तभी हम लोग सब दूसरे तीसरे दिन आ गए, क्या हुआ, हम डरेंगे नहीं, मुंबई चालू रहेगी। टेररिज्म के अगेंस्ट में डिफाइंट होके खड़े हो जाना रेजिलियंस है, लेकिन ये वायरस जो है इसमें कुछ इमोशन नहीं है, ये जो वायरस है इसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इट डजंट केयर फॉर यू। तो अगर आप और मैं ये सोचे कि नहीं नहीं मुझे डर नहीं लगता, देखते हैं वायरस क्या करेगा, ना, ये बहुत सारे साइंटिस्ट और एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उनका बोलना है कि नहीं, वायरस के अगेंस्ट में आप डिफाइंट बिहेवियर नहीं दिखा सकते। क्या खुलना है, क्या बंद करना है, तो नॉर्मल USA में अभी भी डिबेट चल रही है कि सलून, बार और टैटू पार्लर्स खुले हैं और स्कूल बंद किया है, तो ये बैलेंस चल रही है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि ना ये बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है, स्पोर्ट्स चेंज हो गई, बिना एक्सपेक्टेटर के स्पोर्ट्स हो रही है, बहुत सारे लोगों ने नौकरियां गवाई हैं, बट जो चेंज है वो हमेशा से डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए एक्सेप्ट करना, और यही इंसान को, हमें, आपको, सबको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है और हम थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं इसमें। मैजिकल थिंकिंग, छठी चीज, एक ऐसी सोच की, आपको याद होगा जब ये कोविड आई थी तो बात लोग ये भी करते थे कि धूप में गर्मी बढ़ने से ये खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर कुछ लोगों ने बोला कि अमेरिका जैसे ठंडे शहरों में या देशों में या इटली में चलता है, भारत में तो इतनी ह्यूमिडिटी और गर्मी है कि खत्म हो जाएगा, ना, ये भी नहीं हुआ। ये तो यहाँ तक कि राष्ट्रपति जो है USA के, उन्होंने बोला कि लगता है कि धूप ज्यादा होगी। हमारे यहाँ भी एक दो मंत्रियों ने बोल दिया था कि धूप में जाएंगे तो सारी बीमारी अपने आप भाग जाएगी। एक और फॉल्स चीज जो फैली, लोगों को हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, एक खास
20% तक लोग अगर इन्फेक्टेड हो गए तो उसके बाद हर्ट। अभी तक देखिए कहीं भी साइंटिफिकली प्रूवेड नहीं है कि एंटीबॉडीज जो लोगों के शरीर में बनती हैं वो लाइफ लॉन्ग रहने वाली हैं, कितने दिन टिकने वाली हैं। अभी री इन्फेक्शन के केसेस भी देखे जा रहे हैं। तो ये इतनी नई तरह की वायरस है ना कि इसके ऊपर में अभी साइंटिफिक डेटा नहीं है कि कोई भी पूरे पक्के तौर पे बोल सके कि 20% या 30% लोगों में अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो फिर बाकी लोगों को इम्यूनिटी हो जाएगी, गारंटेड नहीं है अभी। एक और चीज है द कॉम्प्लेसेंसी ऑफ इनएक्सपीरियंस, मतलब एक तो पहले से ही ये बीमारी आने के पहले कुछ साइंटिस्ट हैं इंक्लूडिंग बिल गेट्स साहब जो कि बहुत सालों से बोल रहे हैं कि दुनिया को अगला जो सबसे बड़ा चिंता करने वाली चीज है वो एक ऐसी बीमारी आएगी जो सांस से रिलेटेड होगी। वो आज से नहीं, 4-5 साल पहले से बोल रहे थे, लेकिन हर सरकार ने, हर हेल्थ अथॉरिटीज ने पैंडेमिक प्रिपेरेशन के लिए फंडिंग हमेशा कम ही रही। बहुत सारे लोग ये भी आर्ग्यू करते रहे, अभी भी करते हैं कि ये कौन सी बड़ी बीमारी है, बट जिनकी नौकरी चली गई है, जहां इकोनॉमी स्लो हो गई है और मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई, घर में सब बंद है, तो एक इंसानों में हमारे में एक प्रवृत्ति ये भी होती है कि अनलेस एंड अंटिल हिट्स मी तब तक मैं सेफ हूं, जब तक मेरे आजू बाजू ना हो जाए, मेरे पहचान में या मुझे ना हो जाए तब तक मुझे लगता है नहीं सब ठीक है। कल अभिषेक बच्चन जी ने एक मैसेज डाली कि प्लीज मास्क पहने, इस वायरस को हल्के में मत लीजिए। आप याद करेंगे उनके पिताजी 76 साल की उम्र में उनसे पहले डिस्चार्ज होके आ गए थे और बच्चन साहब को, अभिषेक बच्चन साहब को ज्यादा टाइम लगा होने में। अभिषेक जी लिख रहे हैं व्हाट आर द बेसिक्स प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ कोविड-19 फॉर वर्किंग मैन, काइंडली सजेस्ट। बिल्कुल बता रहा हूं जी, राजीव जी बोले बट प्रैक्टिकली आफ्टर 2 months चांसेस ऑफ रिलैप्स इज इंक्रीजिंग, यस सम केसेस हैव बीन सीन। So exactly that's what Rajiv ji I was talking ki we do not know what's the longevity of the antibodies which is found in people who have recovered. और इसी लॉजिक पे जो प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर में भी बहुत बात की गई थी वो भी फायदेमंद नहीं दिख रही, तो ICMR ने बोल दिया कि प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट लुकिंग बेनिफिशियल। मैं देखिए डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ जानकारियां हैं जो कि वो कंगना और SSR की कहानी के बीच में लोग भूल गए हैं कि हम एक बहुत ही बुरी टाइम से गुजर रहे हैं जहां पे खाली मुंबई में कल महाराष्ट्र की जो टोटल केसेस हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू 25,000 एंड मोर देन 400 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ। बट ये जो मीडिया के जंगल में आप भूल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एक और चीज हुई द रिएक्टिव रट जिसको बोलते हैं, मार्च में माइक रायन जो कि WHO में काम करते हैं उन्होंने बोला बी फास्ट एंड हैव नो रिग्रेट्स। बाद में उन्होंने बोला द वायरस विल ऑलवेज गेट यू इफ यू डू नॉट मूव क्विकली। उनकी बात को बहुत लोगों ने ध्यान से नहीं लिया, बहुत सरकारों ने नहीं लिया, बहुत लोगों ने नहीं लिया, दाम चुका रहे हम सब अभी। और ये वायरस जो है ये बड़ी कमाल की है, ये स्प्रेड तो बहुत जल्दी होती है। हाय अक्षता जी, देवांशी, अदिति, सुमित भाई, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। विकास जी नमस्कार, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सो ये वायरस फैलती जल्दी है बट इसके सिम्टम बाद में दिखते हैं, ये लक्षण धीरे धीरे दिखाती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही घूम रहे होते हैं कि मैं तो ठीक हूं बट हो सकता है यू आर कैरिंग इट। व्हाट इज द वे टू नो दैट आर यू कैरिंग इट और नॉट, टेस्टिंग। और वो कितनी टेस्टिंग हो रही है, इफ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र ओनली वी आर जस्ट डूइंग 14,000 टेस्ट पर डे, खाली 14,000 टेस्ट हो रहे हैं जिसकी संख्या बढ़नी चाहिए। ओके और जो पैंडेमिक की डेटा होती है ना कि यहाँ टेस्ट हुआ, ये जो यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, इस जगह ध्यान देने की बात है, ये जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं, उनका बोलना है कि पैंडेमिक डेटा इज लाइक लुकिंग एट अ डिस्टेंट स्टार। डिस्टेंट स्टार का आप क्या बताऊं आपको, जो मान लीजिए हम जो तारे देखते हैं, अगर कोई बोले कि दिस स्टार इज 50 light years away, 50 light years away मतलब 50 साल पहले जो उस तारे ने रोशनी छोड़ी थी वो अभी पहुंच रही है, वो 20 साल पहले खत्म भी हो गया हो तब भी हमें उसकी रोशनी मिलती रहेगी। तो हमें रियल टाइम डेटा पैंडेमिक में कभी नहीं मिलती, हमें लक्षण बाद में दिखाई देते हैं। सुरेश भाई बोल रहे हैं थैंक्स फॉर जॉइनिंग, इज इट ट्रू द वायरस स्टेज इन द नेजल कैनाल फॉर फ्यू डेज देन एंटर्स द लंग्स, डज स्टेम इनहेलेशन हेल्प्स? वेरी फास्ट एंड वेरी क्विकली इट गोज, इट्स नॉट प्रूवन टिल नाउ दैट कि नेसल कैनाल में कितनी देर रहता है, बहुत सारे रिसर्च चालू हैं। एक तो देखिए एक मोटी चीज आप मान लीजिए कि
जो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये इट्स लाइक ए स्टिकी जो हम बच्चों के बर्थडे में बलून से निकलता है और चिपक जाती है चेहरे पे, तो वायरस खुद से क्रॉल करके आपके आंख में मुंह में नहीं चली जाएगी, उसको लाइव मीडियम, वो आपके चमड़े पे भी है तो आपको असर नहीं होगी उसकी अनलेस एंड अंटिल इट रीचेज योर आईज और नोज और माउथ, जहां पे उसको लाइव सेल्स चाहिए, जहां पे वो रिएक्ट, और देखिए पहले भी बात कर चुकी है तो निर्जीव है, उसको एक मीडियम चाहिए खुद को अपने जेनेटिक मटेरियल को खोलने का। तो सुरेश जी, मैं इस बारे में डेटा मेरे पास नहीं है ना ही जानकारी है, स्टीम इनहेलेशन हेल्प्स और नॉट डाउटफुल, इफ इट हेल्प्स क्लींस योर नेसल पैसेज नथिंग लाइक दैट यू कैन टेक, बट एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में नहीं जाना है कि हम स्टीम इनहेलेशन करेंगे तो खत्म हो जाएगी। याद कीजिएगा वायरसेस को ये बोला गया कि बहुत गर्म एनवायरमेंट में ये नहीं होगा, हुआ है वहां भी देखा गया है। तो गलती क्या हो गई, जो कि अभी रेट्रोस्पेक्टिव साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स भी देख रहे हैं, कि हमने लोगों को जो टाइम पीरियड विंडो दिया ना, और हमने भी जिस तरह से इस वायरस को अप्रोच किया, अब 21 दिन का सोच के लॉन्ग टर्म सोचना था। तो इंस्टेड ऑफ 21 दिन, अगर अभी भी मैं आपको बोलूं कि मुझे आपको ये 21 दिन 2 महीने 3 महीने सोच के साल सोचना है, शायद 2 साल सोचना है। क्यों 2 साल क्यों बोल रहा हूं मैं? जो वैक्सीन भी अभी अप्रूवल होने जा रही है, जो वैक्सीन आएंगी, उनकी जो पैरामीटर सेट है, एक वैक्सीन अगर 50% लोगों को भी इफेक्टिव है तो उनको दी जा सकती है अप्रूवल, 50% लोग तो वैक्सीन लेने के बाद भी उनको डाउटफुल रहेगा ना। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं, ये जो एंटी पैंडेमिक बिहेवियर है हमारी, मास्क पहनने की, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने की, प्रॉक्सिमिटी, बहुत छोटी सी जगह में ज्यादा लोगों की गैदरिंग करने की, वो सब बिहेवियर हमें चेंज करना होगा लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक कि कोई एक दवाई ऐसी ना निकल के आ जाए जिसको हमको पता चले कि ये क्योर है, कि इसको खा लेने से ये बीमारी ठीक हो जाती है। एक और चीज है, बहुत सारे देशों में कंफ्यूजन अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो गई। अभी तो यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने मान लिया कि उनको पहले बताया गया था कि बीमारी बहुत ही खतरनाक है, बट उन्होंने बोला कि मैं नहीं घबराया क्योंकि मेरे घबराने से लोग घबरा जाते। हालांकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शायद इसकी वजह से वो ये इलेक्शन भी हार जाए जो नवंबर में होने वाली है। तो कंफ्यूजन अनसर्टेनिटी के बीच में एक और खेल चली बहुत अच्छे से, यूएसए में भी चली, हमारे यहाँ भी चली। यूएसए में खेल चली, पहले चाइना को ब्लेम किया, फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम किया, उसकी फंडिंग भी बंद कर दी, उसके बाद अलग अलग स्टेट के गवर्नर्स को ब्लेम किया कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। और तो और जाने दीजिए, डॉक्टर फाउची हैं जो कि वर्ल्ड रिनाउंड एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उनको भी ब्लेम किया गया, बराक ओबामा को ब्लेम किया गया। तो मैं किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन में बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं मेरे से गलती हुई है, बाकी सब उसने किया, ये चली। अभी देखिए, अभी सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में, खासकर यूएसए की बात और ठंडे देशों की बात करें, तो वहां सर्दियों से बचने के लिए भी लोगों को इकट्ठा एक जगह जाना होता है, तो फिर कन्फाइंड स्पेसेस में जाना, ये भी एक डेंजर सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ऊपर से फ्लू का सीजन होता है, वो तो अलग ही है। टेस्टिंग के रेट्स अभी भी जितने एपिडेमियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं हर देश में, उससे कमी हो रही है। बहुत सारी चैलेंजेस है, मैं इसमें अग्री करता हूं, लेकिन टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन, ये हम भूल गए, ये यूएसए में भी लोग भूल गए, इंडिया में भी लोग भूल रहे हैं धीरे धीरे। और गलती क्या हो रही है, हम वी आर काइंड ऑफ गेटिंग इन्योर्ड टू द ट्रेजेडी। ये भयावह जो हालत और सिचुएशन और ये दुखद चीजें हमारे आजू बाजू, अगर हर दिन हर रात होती है तो हम धीरे धीरे सुन्न हो जाते हैं। तो कहीं कुछ हद तक हम सुन्न भी हो गए कि हमें ये नंबर अभी अफेक्ट नहीं करता। अच्छा, 400 लोग कल मरे, जब तक वो 400 में से आपका पहचान वाला कोई ना रहे तो आपको फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ये सही नहीं है। एक यूएसए के जो मोस्ट एक्यूरेट मॉडल है, उसके हिसाब से, मॉडलिंग के हिसाब से 220,000 लोगों की मौत होने वाली है नवंबर महीने तक में। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट्स क्लोज टू 190 राइट नाउ। राजीव जी बोले गांधारी ग्रंथि तो मानव में हमेशा से रही है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिएगा राजीव जी, क्या मतलब है आपका गांधारी ग्रंथि से? मैंने एक दो दिन तीन दिन पहले खाली ऐसे ही बैठा था तो सोचा कि इंडिया की CFR क्या है, केस फेटालिटी रेट, या इसको आप मोर्टैलिटी रेट भी बोल सकते हैं, कि मान लीजिए 100 लोगों में कोविड हुआ तो कितने लोग मर रहे हैं। तो ऑल इंडिया की जो एवरेज थी वो मैंने देखी 1.7%, मतलब
1.7 को मैं रफली दो ले लूं, बट हालांकि मैंने कैलकुलेशन में 1.7 ही लिया है, तो खाली भारत की जो 125 करोड़ की आबादी है उसका 1.7% मैंने निकाला, तो टोटल नंबर आता है 2,12,50,000। वापस रिपीट करूंगा, खाली अगर 1.7% लोग ही कोविड से मरे जिनको इन्फेक्शन होता है तो, और ये कहा जा रहा है कि ये इन्फेक्शन हर इंसान तक पहुंचेगा धीरे धीरे, तो 2,12,50,000 सस्पेक्टेड नंबर है डेथ के इंडिया में। भगवान ना करे मैं हमेशा गलत हूं तो बहुत अच्छी बात है, बट लेट्स लुक एट द नंबर। अब चिंता की बात यह है कि मुंबई की जो केस फेटालिटी रेट है, जो मैंने इस एपिसोड की शुरुआत में आपको बताई थी, दैट इज 4.88 क्लोज टू 5। मतलब खाली मुंबई की जो आबादी 1,84,00,000 है उसको अगर 4.88% से आप जोड़ के देखें तो खाली मुंबई में 8,97,920 लोगों की मरने की आशंका है। क्या हम पीक पर पहुंचे? नहीं पहुंचे। बट अगर मैं अभी बाहर निकल के देखूं, हम आज निकले थे कुछ इसेंशियल लाने के लिए कार से, मैडम नहीं निकली, मैं कार से बाहर निकला, सामान ली, वापिस आ गया, हाथ में ग्लव्स डाले हुए थे, मास्क पहना हुआ था, बट यू कुड सी दैट बहुत सारी चीजें ऐसे नॉर्मल चल रही हैं जैसे कुछ हुआ ना हो। मैं सपोर्ट करता हूं कि लोगों को रोजी रोटी का हक है सब कुछ, लेकिन एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आनी चाहिए। राजीव जी ने कुछ लिखा है, ब्लेम अदर्स फॉर इवन गॉड नॉट अस। आई नो राजीव जी, थैंक यू फॉर दैट क्लैरिफिकेशन। सो दोस्तों ये बड़ी भयावसी स्थिति है, मैं वापस रिपीट करूंगा, एट द CFR केस फेटेलिटी रेट ऑफ जस्ट 1.7% इंडिया, we may be looking at a death rate, total number of death to be more than 2 crores 12 lakhs 50,000, mota mota back of the envelope calculation. Mumbai ki case fatality rate is 4.88 as of now, so 1.84 crores into 4.88% is 8,97,000. to complacent mat ho jaiye, ye false sense of security mein mat aaiye, take your personal precautions. भले आपको भले मीडिया में ये बताया जाए कि एक मर्डर केस इंपॉर्टेंट है, या फिर एक फिल्म स्टार का केस इंपॉर्टेंट है, या फिर चाइना से हमें खतरा है, आपको अभी आपके परिवार को, आपकी कम्युनिटी को, मुझे सबको खतरा है अभी एक उस छुपे हुए वायरस से जिससे हम अभी तक बचे रहे हैं, बट ये आपकी जो सेफ्टी है वो डाउन अभी नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली जब भी कुछ नहीं था, जब भी केसेस बहुत कम थे, तभी हमने लोगों को मार मार कर घर के अंदर बंद रखा, और अभी जब हम पीक पर जा रहे हैं तो हमारे अंदर में एक इनसेंसिटिविटी आ गई है, हम तेरे सुन्न पड़ गए। एक और जो आखिरी चीज एड यंग साहब की आर्टिकल में लिखी है कि द हैबिचुएशन ऑफ हॉरर, अगर आपके आजू बाजू में ट्रेजेडी इतनी ज्यादा हो जाए, इतनी ज्यादा ट्रेजेडी चले कि आप उसको ही नॉर्मल जिंदगी मान लें, जैसे यूएसए की बात कर लें, जैसे एम्बिएंट नॉइज जो है, जो लोग बहुत ही ध्वनि प्रदूषित जगह पे रहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा आवाज होती है, तो जो शांत जगह से जाने वाले उसको सर में दर्द हो सकता है, बट जो आदमी वहां दिन रात रहता है उसके लिए तो नॉर्मल लाइफ है, वो बोलता है ठीक है, बट क्या वो खतरनाक नहीं है? खतरनाक है। तो ये एम्बिएंट नॉइज की तरह से, अब जैसे यूएसए की बात करें तो वहां पे गरीबी लोगों का ध्यान नहीं आकर्षित करती, रेसिज्म जो है काले गोरे का सफेद वो लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करती, स्कूल में कोई बच्चा जाकर के 20-25 लोगों को मार देता है तो उसको भी नॉर्मल बोलता है ठीक है, वो तो पिछले बार इससे भी ज्यादा हुआ था, ऐसा सोच के निकल जाते हैं। पुलिस लोगों पर अत्याचार करती है, उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, मैं यूएसए के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। सेक्सुअल हैरेसमेंट डजन, क्लाइमेट चेंज तो वहां के राष्ट्रपति हंसमी उड़ा देते, बोलते ये सब बकवास की चीजें हैं। तो लोग ना धीरे धीरे ट्रेजेडी से भी अपने आप को बोलते हैं ठीक है चलता है, ऐसा अब चलता है कि एटीट्यूड पे। मुंबई की एक बात बताता हूँ, बुरा नहीं कर रहा हूँ, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ मुंबई जिसने मुझे रोजी रोटी दी जहाँ, और आई हैव ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर महाराष्ट्रियंस हु आर माय फ्रेंड्स एंड कलीग्स, बड़े ही प्यार और इज्जत देने वाले लोग हैं। लेकिन एक चीज जो हम सब में एक कल्चर एज अ कल्चर हो गई है कि जब भी लोकल ट्रेन में हम सफरिंग वाला सफर और कम्यूट वाला सफर दोनों करते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने मुंबई के लोकल ट्रेन में ट्रैवल की है वही इस बात को समझ सकते हैं, पीक क्रश आवर बोलते हैं उसमें 1 मीटर में 17 लोग खड़े होते हैं, 1 स्क्वायर मीटर में, आप नहीं समझ सकते इसको जब तक आप उस लोकल ट्रेन में ट्रैवल ना कर लें। मुंबई में लोकल ट्रेन से हर साल
हर साल छोड़ दीजिए, हर दिन 10 लोग गिर के मरते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, इतनी भीड़ हुई, लटके हुए हैं, स्कूल के कॉलेज के बच्चे गिर के 10, कोई चू नहीं निकलती, कोई गिनती नहीं होती उनकी। 10 per day, दैट मीन साल में 3500 लोग मुंबई में खाली ट्रेन से गिर के मर जाते हैं। लेकिन हर प्लेटफॉर्म पे आपको बॉडी उठाने वाले मिलेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे आपको पायरी रखी रहती है ट्रेन के नीचे, और बहुत कॉमन सीन है ये। तो मुंबई इनसेंसिटिव हो गई उन ट्रेन में गिर के मरने वालों की डेथ के ऊपर में। मैं नहीं चाहता कि कोविड से मरने वाले केसेस में भी हम ऐसे इनसेंसिटिव हो जाएं। हमने फ्यूचर की बात करी थी, बट आज मैं आपको अभी की प्रेजेंट पिक्चर ही दिखाने में रह गया, और टाइम हो गया है 40 मिनट। कल हम थोड़ी बात करेंगे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी आर्टिकल मेरे एक मित्र हैं जो कनाडा में है, हीरेन जानी साहब, उन्होंने शेयर किया है 9 promising treatment, 9 ऐसी दवाइयां जिनके ऊपर में रिसर्च चल रही है, अलग अलग स्टेजेस पे है, वो क्या फ्यूचर में कोविड के लिए फायदेमंद हो सकती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही एक और चीज पे मैं थोड़ी रिसर्च करूंगा, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर किए कि मास्क पहनने से कार्बन डाइऑक्साइड बार बार हम इनहेल करेंगे और उससे लोगों के मरने के चांसेस हैं। मैं मास्क की सेफ्टी के ऊपर भी कल बात करूंगा, हालांकि मास्क पहनना अनिवार्य है, मैं आपको ये डिटेल्स कल बताऊंगा। इस बीच में मास्क पहनिए, फिजिकल डिस्टेंस का पालन कीजिए, भीड़ वाली जगहों में जाना कम से कम कीजिए, हेल्दी खाना खाइए जिसमें आपको हरी साग सब्जियां फल होने चाहिए, तेल अवॉइड करनी है, घटिया क्वालिटी के पाम ऑयल, घटिया क्वालिटी के जो भी जो भी वनस्पति तेल करके तेल बेचे जा रहे हैं, चाहे वो पाम हो, सोया हो या बाकी, ये अवॉइड कीजिए। फ्राइड चीजें अवॉइड कीजिए, स्ट्रेस फ्री रखिए खुद को, सोने की कोशिश कीजिए, नींद पूरी लीजिए, और जहां बाहर आप निकल रहे हैं तो हैंड सैनिटाइजेशन करना भी एडवाइजेबल है। तो अभिषेक, अगर मैं आपको सवाल का जवाब दे पा रहा हूं तो आप बहुत अच्छी जगह पर हैं, जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, और आप खुद के हेल्थ की ख्याल रखिए। ये याद रखिएगा कि ये जो बीमारी है ये स्वस्थ लोगों में उतने बुरे लक्षण नहीं दिखाती है, ये लक्षण बुरे होते हैं जिनकी उम्र पहले से ज्यादा है, जिनको 3 बीमारियां पहले से हैं, तो ये चिंता करने वाली बात है। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और ओबेसिटी, जिनको मोटापा बहुत ज्यादा है। जैक बुश साहब का ये भी बोलना था कि अगर आप ऑलरेडी स्टैटिन्स या फिर इस इनहिबिटर दवाइयां जो कि दिल के बीमारी के लिए, जो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए खाई जाती हैं, अपने डॉक्टर से जरूर बात करें कि क्या, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एस इनहिबिटर्स और स्टैटिन्स आपके शरीर में AC2 रिसेप्टर्स जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ाते हैं, आपके चांसेस कोविड से इन्फेक्ट होने के ज्यादा बढ़ते हैं। ख्याल रखें अपना, कल हम फिर और इंटरेस्टिंग डेटा लेकर आप सबसे मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और साथ में ज्वाइन हुए। Those of you who are going to watch this on YouTube, thank you so much for that. And also a big hi to all my podcast listeners. Thank you so much. Rajiv ji likh rahe hain, nowadays mostly people don't care about this. You are right, sir. See you all tomorrow. Bye-bye. It was so nice interacting with you after a long break.